रखना चाहते हैं ना कि आपको जहाँ पर हमको अच्छा लगे, जहाँ पर कि हमको कम से कम ग्रेजुएशन तक की हो जाए, वहाँ तक आप हमको रखवा दीजिए। ग्रेजुएशन तक के हमको कम्प्लीट करना है। पटना चलो मेरे साथ, पटना चलेंगे, दोनों भाई रहेंगे। कितने बच्चों को पढ़ाते हो? 5 क्लास तक रहता है, और सरकारी से आ जाए तो 8वीं तक रहता है। सरकारी से आ जाए तो 8वीं तक भी रहता है। और कितना बच्चा को पढ़ाते हो? ऐसे ही पहले 35 था, अब थोड़ा मैंने लगन उगन था ना, तो कुछ बच्चा चल गया था। अच्छा, बिहार में इतना टैलेंटेड बच्चा जो है देखे थे? हम सर नहीं देखे। इतना हिम्मती बच्चा देखे थे? अभी तक सर लगभग हमने 10 लाख बच्चों को पढ़ाया है। यहाँ भी हमारे बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन सर आज तक ऐसा बच्चा हम नहीं देखे थे। मतलब पहले हम, अच्छा बिहार में इतना टैलेंटेड बच्चा जो है देखे थे? हम सर नहीं देखे। इतना हिम्मती बच्चा देखे थे? अभी तक सर लगभग हमने 10 लाख बच्चों को पढ़ाया है। यहाँ भी हमारे बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन सर आज तक ऐसा बच्चा हम नहीं देखे थे। मतलब पहले हमको ये लगा कि कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं। हमें भी गाड़ी में हम लोग यही बात कर रहे थे कि कहीं इसको पढ़ा लिखा के कोई तो भेजा नहीं था। कसम से बोल रहा हूँ, हम लोग यही बात कर रहे थे। हाँ, क्या निगेटिव पहलू हो। हाँ, और जब इससे आए, इसके हाथ में माइक दिया और खाली पूछा कि अरे शुरू हो गया और अनस्क्रिप्टेड। पहली बार ऐसा लगा कि रियल बंदा मिला। रियल बंदा। अभी हम लोग दोनों आदमी नहीं बात। ऐसा बच्चा जो है अगर पैदा हो जाए बिहार के हर एक जिला में, तो बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य और सारा व्यवस्था सुधर जाएगा। सही कि नहीं? हर माँ को ऐसा बच्चा चाहिए, हर माँ को, लेकिन मिल नहीं पाएगा। ये कुछ भाग्यशाली माँ पिता होते हैं जिनको ऐसा बच्चा मिलता है। आप समझिए कि हम लोग तो रहते हैं, कहते हैं कि बच्चों में बच्चा पैसा कमाए ना कमाए, ऐसा संस्कारी बच्चा हर माँ को मिल जाए। मतलब समझिए, हिम्मत। मेरा रूह कांप गया मनीष जी, मतलब जब ये बोल रहा था मेरा रोआ रोंगटा खड़ा हो गया कि क्या बोल रहा है लड़का। चलिए, एक शिक्षक जो है एक बच्चे का कल्याण करेंगे किसी भी हाल में, और बिहार में लाखों शिक्षक है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक साल में एक बच्चे का जिम्मेवारी उठा लेंगे तो हर साल लाखों बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल जाएगा। बाबू चले तुम्हारे घर? यस चलिए। कैसे चलेंगे? पैदल। पैदल चलिए, आ जाइए आगे, आने दीजिए उनको। आइए आइए आइए, आगे आइए, और पैदल चलेंगे इसके घर। कितना दूर है यहाँ से तुम्हारा घर? यहाँ से अगर देखा जाए तो हो सकता है 2-3 हजार मीटर। 2-3 हजार मीटर की 200-300 मीटर? हाँ, उसी प्रकार से मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलती से। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गलती से। आज इंसान ही से तो गलती होती है, और भगवान से। अच्छा, तुमको किसी ने पढ़ाया लिखाया तो नहीं है ना? नहीं सर, पढ़ाया तो कोई नहीं है, लेकिन हम। अच्छा अच्छा, तुम नीतीश कुमार के पास क्यों गए? किसने बताया था कि तुमको नीतीश कुमार के पास जाना चाहिए? हमको, मैंने लगा था कि हम एक बार उनसे मिले और उनसे हम बातचीत करें। देखिए, अगर एक गांव का बच्चा ठान लेगा ना कि हमको मुख्यमंत्री से मिलना है तो मिल लेता है, क्योंकि वो बच्चा के अंदर अगर इतना हिम्मत होगा तो वो मिल लेगा, और बच्चा के अंदर हिम्मत नहीं होगा तो वो नहीं मिल पाएगा। सही है ना सर? समझिए, क्लास 5 तक ही पढ़ाता भी है सर, इसके हाथ में कलम है सर। अच्छा, कौन से क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हो? 5 क्लास तक रहता है, और सरकारी से आ जाए तो 8वीं तक रहता है। सरकारी से आ जाए तो 8वीं तक भी रहता है। और कितना बच्चा को पढ़ाते हो? ऐसे ही पहले 35 था, अब थोड़ा मैंने लगन उगन था ना, तो कुछ बच्चा चल गया था। पहले 35 था, अब लगन में जो है कुछ बच्चा चल गया। किधर से चलना है? इधर से चलना है, इस रास्ते से नहीं, सामने जाना है। सामने जाना है, चलो ठीक है। और पढ़ाते कहाँ हो तुम बच्चों को? हम वहाँ पंचायत भवन पढ़ाते हैं। पंचायत भवन में? पासवान नगर में। हाँ, पासवान नगर में। हाँ। आप फीस कितना लेते हो बच्चों से? एक बच्चा जिसको नहीं लिखने आता है ना, उसको 50 रुपया रहता है। हाँ। और जिसको लिखने आता है, मैंने थोड़ा बहुत मैंने उसको जानकारी रहता है, उसको 100 रुपया रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। मतलब जिसको लिखने नहीं आता है उससे 50 रुपया लेते हो, और जिसको लिखने आता है उसको 100 रुपया। और तुम पूरे बिहार का सबसे कम उम्र के शिक्षक हो, और जितने भी उम्रदराज शिक्षक है वो इससे सीखे बच्चों से फीस कितना लेना है। और प्राइवेट स्कूल वाले जो बच्चों का जो है चमड़ा उघेर उघेर के फीस लेते हैं गार्जियन का, इनसे सीखिए कि जिस टका में जकरा नहीं आता है ओकरा से 50 टका। हाँ। और जकरा थोड़ा बहुत आता है ओकरा बेसी बताना पड़ेगा, तो ओकरा से 100 टका। उसे मतलब क्या पैमाना है। अच्छा, तुमको किसने बताया कि जिसको नहीं आता है उसे 50 रुपया लेना है? जिस हम सोचे कि जिसको नहीं आता है उससे क्या फायदा है, मैंने उसको थोड़ा अभी बैठने के लिए सीखेगा जो है इस प्रकार से। हाँ। तो हम सोचे कि क्यों ना उसको 50 रुपया कर दिया, अभी छोटा बच्चा ही रहेगा। हाँ। नहीं आवेगा किसको, छोटे बच्चों को ना। हाँ। अब बड़ा बच्चा वो फटाफट तो सीख ही जाएगा। अच्छा, तुम्हारे पास जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सभी लोग फीस देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, फीस तो सब लगभग देंगे, तो मैंने गाँव है तो थोड़ा लेट 5 रोज बाद इस पर होते रहता है। अच्छा, कुछ बच्चे को फ्री में नहीं पढ़ाते हो तुम?
नहीं अभी तो कोई ऐसा बच्चा नहीं आया है, अगर जरूरत पड़े तो वो भी हम करेंगे सर। अच्छा, तुम्हारे जैसा टैलेंटेड बच्चा आ जाए और उसके पास पैसा नहीं होगा तो फ्री में पढ़ाओगे? यस सर, हम पढ़ाएंगे। पढ़ाओगे? यस 100%। टैलेंटेड नहीं भी रहेगा, उसके गार्जियन की क्षमता नहीं रखे, हम देखते हैं। देखेंगे उसके गार्जियन की क्षमता नहीं है तो हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तुम पढ़ाने के लिए तैयार हो। अच्छा ये बताओ क्या बनना चाहते हो तुम? IAS। IPS क्यों नहीं? सब एक बात गलत बोलते हैं सर, IAS नहीं होता है। IAS क्या बनना होगा? हमको बनना है IAS। सब गलत बोलते हैं IAS बनेगा, IAS होता है। IPS इसलिए नहीं बनना है क्योंकि मेरा जो है उतना शक्ति जो है नहीं होता है, इसीलिए मैं IAS नहीं बनना चाहता हूँ। फिजिकली जो है अपने आप को उतना कैपेबल नहीं समझता है, लेकिन मेंटली कैपेबल है, इसलिए इस बच्चे को IAS बनना है, नॉट IAS बनना है, समझे ना। अच्छा ये बताओ बाबू, तुम्हारे पिताजी करते क्या हैं? हमको पिताजी खेती करते हैं और दही बेचते हैं। खेती करते हैं और दही बेचते हैं। भैंस भी चराते होंगे? हाँ भैंस भी चराते हैं, तो वो कोई आप बोले कि क्या करते हैं, यानी कि दही बेचते हैं और खेती करते हैं। ये हमसे भी तेज है, ये लड़का बहुत तेज है। बात नहीं है सर, इस लेवल का ब्रेन जो है ना। अच्छा ये बताइए सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सौभाग्यशाली हैं कि ये बच्चा आपको मिल गया, या ये सौभाग्यशाली है कि इसको आप मिल गए? सर मैं सौभाग्यशाली हूँ, हमको लग रहा है कोई और ना लेके चल जाए, इससे पहले हम इसको लेके चल जाए, मतलब समझिए कोई और इसके पास आए। हम सौभाग्यशाली है कि आज संडे है और हम इसके पास पहुंच गए। जीवन सर मेरा धन्य हो गया, मतलब कभी ऐसा बच्चा शायद मैं अपनी आंखों से या खुद पैदा नहीं कर पाता जो मैं यह देख रहा हूं अपनी आंखों पे, और कान पे तो विश्वास ही नहीं। और हम लोग सोच रहे थे एकदम स्क्रिप्टेड होगा, अब समझिए क्या बच्चा है भाई, हाथ में कलम है और देखिए हाथ में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए हर जगह हाथ में लिखा हुआ है। आज इस बच्चे के हाथ में लिखा हुआ देख के, कलम देख के लगा कि अब बिहार बदल रहा है। अच्छा यही घर है तुम्हारा? अच्छा क्या क्या तुम जानते हो, पांचवा क्लास तक के बच्चे को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो तुम? पांचवा क्लास का जो है मैंने जैसा भी सब्जेक्ट रहता, अभी कोई उतना टैलेंटेड है नहीं कि उसको साइंस इसमें जो मैं बुक से पढ़ावे। वो छोटा ही रहता है जो कि ABCD तक के रहता है। तुम खुद पांचवा में हो, सरकारी के आठवा तक के बच्चे को पढ़ाते हो? सरकारी में उतना अच्छा से शिक्षा नहीं होती है ना, तो हम सोचते हैं कि उतना अच्छा शिक्षा हो ही नहीं रहे तो क्या फायदा उससे। हम उसको भी बुला लेते हैं, मतलब गार्जियन भेजते हैं, हम बुला लेते हैं। अब उसका हीट जितना भी रहे हम उसको सबसे पहले समझा देते हैं कि अगर पढ़ना है तो लाज और इज्जत, लाज शर्म और इज्जत इसको खत्म कर दो। अगर सर हमको उससे कोई सवाल पूछेंगे हम इसका जवाब नहीं देंगे, यहाँ पर टीवी चल रहा है ना, तो हमको कोई इज्जत बेइज्जत के कोई महसूस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सवाल का हम जवाब नहीं दिए तो ये फैन हमको उसका उत्तर बताएंगे, यानी एक सवाल हम सीख गए। ये गुरु जी है SK झा सर नाम है इनका, ये पटना में अनेकों बच्चों को पढ़ाते हैं, जनरल कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये तुम्हें यहाँ से लेके जाना चाहते हैं, जाओगे इनके साथ? यस हम जाएंगे, हमको तैयार है, हम जाने के लिए तैयार है, जाने के लिए। तुम्हारे मम्मी पापा रोकेंगे तब? नहीं रोक नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे, हम उनको समझा देंगे कि अच्छा आंटी आइए इधर, चाची इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, ये मम्मी हैं, इसके पिताजी अभी गायब हैं क्योंकि कहीं हम लोग शराब वाला सवाल पूछ लिए, तो बैठिए 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 बैठी ना बैठी ना बैठी ना बैठी ना। अच्छा आपके बच्चे को, आपका मतलब कि जो ये काबिल बच्चा है, इसको सर लेके जाना चाहते हैं पटना, जाने दीजिएगा? सर से बोलना चाहते हैं ना कि आपको जहाँ पर हमको अच्छा लगे, जहाँ पर कि हमको कम से कम ग्रेजुएशन तक के हो जाए, वहाँ तक के आप हमको रखवा दीजिए, ग्रेजुएशन तक के हमको कंप्लीट करना है। पटना चलो मेरे साथ, पटना चलेंगे, आज दोनों भाई रहेंगे एक ही मकान में, अब पकड़ के देंगे सर या IAS तो हम बनाइए देंगे। तोरा यही ना बनना है? Yes. तोरा हम IAS बना देंगे, इतना मेरे में कैपेसिटी है कि तोरा हम बना, हमारा विश्वास है कि तू बन जाएगा, लेकिन उसके लिए हमारे साथ आप चलिए, पटना बहुत दूर नहीं है, यहाँ जब आप कहिएगा बाय कार हम आपको आपके मम्मी पापा के पास भेजेंगे, आप फिर आप अपने मम्मी पापा आए, हम साल में दो बार तुमको छुट्टी मिलेगा, पहले ही सोच लो। ठीक है सर, रोज रोज छुट्टी नहीं, हर महीना कहोगे कि नहीं हम घर जाना चाहते हैं तो नहीं आओगे? हम घर आने के लिए तैयार ही नहीं है, हमको अगर सर पढ़ाते हैं तो हम वहीं रहेंगे। अभी अभी आपके गांव में भी हमारे छात्र हैं, अभी देखिए एक छात्र यहाँ है, एक छात्र इधर भी है, दो छात्र आपके गांव में भी हैं। कौन कौन है इनका छात्र? SK झा सर इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ, और कौन है?
एक और था वो शायद उधर गया है। अच्छा बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। पढ़ते हो तुम? यस सर। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं, फिजिक्स को एकदम निचोड़ देते हैं। निचोड़ देते हैं। अब तुम निचोड़ाने के लिए तैयार हो? तुमको निचोड़ेंगे और तुमको IAS बनाएंगे, ठीक है ना? बन गया ये भाई उस लेवल का। अच्छा ये बताइए सर, कितना पैसा इस पे खर्चा कीजिएगा? सर पैसा तो सर नहीं पूछे, एकरा हम बोले ना करे, एगो सांस अगर अल्टर हो जाएगा ना तो वो हम खरीद के ठीक करवा देंगे। एकरा में कहीं एक भी जगह पे इसको दिक्कत नहीं होगा। आज से ही मेरा छोटा भाई है और ये सब फेंकने वाला बात नहीं है कि आए या वीडियो बनाए या लंबा लंबा फेंक दिए, पता नहीं क्यों दिल से दिल का अटैचमेंट हो गया है। मतलब आप समझिए कि जो भी खर्च अभी से लेके, और सर खर्च क्या लगता है, पढ़ाई में कितना खर्च होता है? हम लोगों के लिए, हम लोग सबल लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग दुर्बल लोग हैं, हम लोगों के लिए मामूली सा खर्च है और वो हम इसके ऊपर करेंगे। सर एक ऐसे शिक्षक है जो अपने कोचिंग में लड़कियों से फीस नहीं लेते, नहीं लेते, दिव्यांग से भी फीस नहीं, दिव्यांग से भी फीस नहीं लेते, यानी लड़कियों से भी फीस नहीं लेते हैं, दिव्यांगों से भी फीस नहीं। देखे भी होंगे जो लड़की लोग थी, उन्हीं लोगों के साथ ये बच्चा भी पढ़ेगा और जिस स्कूल में बाबू कहोगे तुम्हारा एडमिशन उस स्कूल में कराया जाएगा। जिस स्कूल में, जो स्कूल बिहार का जिस स्कूल में बाबू कहोगे वहां पे चल के तुम्हारा एग्जाम दिलवाएंगे लोग और तुम्हारा एडमिशन कराएंगे। भाई हाथ रख देगा कि स्कूल हम पढ़ेंगे वही में पढ़ेगा, लेकिन बिहार के स्कूल में पढ़ाएंगे तुमको, बाहर के स्कूल में नहीं, क्योंकि बिहार का बच्चा है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार के स्कूलों में पढ़ के ही भविष्य में ठीक करेगा। ईमानदार IAS बनोगे कि भ्रष्ट? हम ईमानदार IAS बनेंगे, क्योंकि यार हम ईमानदार बनेंगे और हम अपने जिला में जो भी काम ठीक करेंगे वो दूसरे जिला के भी हम बताएंगे, मैंने अपने पड़ोसी जिला को हम ये उनके DM के बताएंगे कि सर आप भी ऐसे करिए, तो वो भी करेंगे, मैंने एक चेन बनेगा। हाँ मैंने के बाद एक एक हाँ, चेन उसी प्रकार मान लीजिए अगर एक जिला नहीं माना तो कौन दिक्कत है, हमारा 37 जिला तो मान गया ना, 37 जिला तो मान गया यानी 38 को जिला है बिहार में। यस। अब बिहार के मुख्यमंत्री जी का तो नाम जानते ही हो, माननीय श्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उप मुख्यमंत्री का अभी पता नहीं है सर, अभी पता नहीं है उप मुख्यमंत्री का। अरे आदमी से मतलब है भाई, मेन आदमी से मतलब है मोदी जी से और नीतीश कुमार जी से, दो ही आदमी से मतलब है। नीतीश कुमार जी से मिल चुका है, अब मोदी जी से मिलना बाकी है इसका। और हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो भी IAS देख रहे हैं चाहे सुन रहे हैं, उनको हम यही संदेश देंगे कि कभी भी भ्रष्टाचारी मत करिए, गरीब पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि हमारे आपके ही जिला में अगर शिक्षा होता है तो वहीं से हमारा जो है राज और देश का विकास हो जाएगा। सबको संदेश दे रहा है, मुख्यमंत्री को संदेश दिया है, अपने बाबुओं जी को संदेश दिया है, प्रधानमंत्री जी को संदेश दिया है और IAS को संदेश दे रहा है। पापा तक को संदेश देने से नहीं चूक रहा है, पापा को जेल डलवाने से नहीं चूक रहा है कि जेल में चले जाइए लेकिन हम पढ़ेंगे। मतलब पापा से इतना प्यार है कुछ समय तक के लिए भेज दिया, फिर हमारे पापा को लौटा दीजिएगा, तब पापा ही काम नहीं करेंगे। पापा से प्यार है इस बच्चे को और पढ़ाई से उससे ज़्यादा प्यार है। जितने भी बाप बिहार के देख रहे हैं उनसे विनती है कि आप अपने बच्चे को खूब पढ़ाइए, और शराबी बापों से तो और ज़्यादा विनती है कि जरा इस बच्चे का हिम्मत और हौसला देखिए। और सभी बच्चे, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता शराब पीते होंगे, माता तो बिहार की कोई पीती नहीं है, अगर तुम्हारे पिता शराब पीते होंगे तो विरोध करो, और इस प्रकार से विरोध करो ताकि पूरी दुनिया देखे। बाकी बाबू बस तुमको एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद। जय। और जो हमारे वीडियो खत्म हो गया है, जो हमारे समाज खत्म हो गया है वीडियो, ठीक है तो अब बोलिए लो, वहाँ पर चालू हाँ तो बोल दो। हम ये समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर प्रशासन गलत चल रही है हाँ। तो आप भी उसको सुधारिए हाँ। क्योंकि जनता भी एक तरह से सरकार का ही अंग होती है हाँ। लेकिन ये कहिए कि थोड़ा सरकार को और ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है हाँ। और जनता अगर मान लिया जाए स्कूल में गलत काम हो रहा है तो उस पर आंदोलन कीजिए। ऐसे अगर किसी को करंट से अगर कोई आदमी जो है गिर जाता है चाहे कुछ उसको हो जाता है तो सब मिलके रोड पर प्रदर्शन करने लगते हैं हाँ। कि इसको 10 करोड़ रुपया का चेक दीजिए हाँ। और अगर स्कूल में गलत काम होता तब काहे नहीं आंदोलन करता, बताइए। ताली बजाइए आप लोग। हमको इसका बात जो है शुरू में मजाक लग रहा था, कमाल का बच्चा है ये, कमाल का बंदा है। अरे सर
और कर ले लिया खनी बहुत देरी। देखिए ये हमारी दादी माँ है और हमारी दादी माँ जो है संस्कारों से भरी हुई रहती है। हर दादी माँ बिहार के किसी भी कोने में चले जाइए, दादी माँ सबसे पहले दादी माँ और दादाजी हमें संस्कार सिखाते हैं। और ये देखिए ये दादी माँ संस्कार सिखा रही है इस बच्चे को और बोल रही है कि प्रणाम काहे नहीं किए, पहले ऐसे हाथ जोड़ना चाहिए। कर लिए वहाँ पर और प्रणाम किया है दादी माँ, दादी माँ सही में प्रणाम किया है, जैसे हम लोग आए ना वैसे ही प्रणाम किया ये। और बेटा हम नहीं देखा, और ऐसी दादी माँ होना, आप दादी है ना, ऐसी दादी माँ होना तो ऐसा काबिल बच्चा पैदा होगा और संस्कारी बच्चा पैदा होगा। भगवान करे कि हर किसी को ऐसी दादी मिले और भगवान करे कि हर किसी को ऐसा पोता मिले। अच्छा दादी बूढ़ी हो जाएंगी तो तुम छोड़ दोगे क्या उनको? मानोगे? दादी डांटेगी तो भी मानोगे? हाँ। तुम्हारी पत्नी आएगी तब तो भी मानेंगे? तो भी मानोगे? तो पत्नी की बात नहीं मानोगे? देखिए अगर कोई भी चीज हद से ज्यादा करे तो अगर जो धर्म पर है उसको रख लीजिए और जो अधर्म पर है उसको खत्म कर दीजिए कहे ना। लेकिन कभी भी हम उनको, हम अगर मान लिया विरोध करते हैं हम उनको समझावेंगे। लेकिन दादी और माँ को नहीं छोड़ोगे? जैसे आप एक दिन दादी बनेंगे तो आपको भी अगर पोता ऐसे करेगा तो यानी दादी और माँ को नहीं छोड़ोगे कभी? नहीं। चलिए ठीक है, बस इस बच्चे की कहानी मैं चाहता हूँ दुनिया का हर एक न्यूज चैनल जो है वो दिखाए, क्योंकि मुझे टीआरपी का लालच नहीं है, मुझे लालच है अपने बिहार का, मुझे लालच है इस बच्चे की काबिलियत का, ताकि जो है हमारा बिहार बदले और ये काबिल बच्चा जो है वो उसका सपना पूरा हो। दादी आपका बच्चा संस्कारी है और हम लोग जैसे आए थे वैसे ही प्रणाम किया था। बाकी फिर से आखिरी में एक ही शब्द कहूँ, नहीं प्रणाम कई लोग को। अच्छा करो अभी प्रणाम करो। खुश रहा, खुश रहा के दुआ हो गया 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 किया है किया है किया है किया किया है किया है किया किया किया। चलिए देखिए सास और तो है। चलिए ठीक है, बाकी हमारा ये प्रयास और इस बच्चे का ये बात कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना।